हेलो एवरीवन, वी आर रीडिंग द चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 9th और हम आ गए हैं अपने लास्ट पार्ट पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो लेट्स रीड। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है और नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पर लगभग 400 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो एनुअली रिसीव करते हैं। However, it is less than 60 centimeter in the western Rajasthan। तो ये अलग अलग पार्ट में जितना भी रेनफॉल रिसीव करता है उनके बारे में बता रहा है कि हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है या फिर वेस्टर्न पार्ट है वो 400 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है, जबकि हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है या फिर एडजॉइनिंग पार्ट है गुजरात के राजस्थान से, वहाँ पर केवल 60 सेंटीमीटर बारिश होती है एनुअली। राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटो। तो डेक्कन प्लेटो में भी रेनफॉल जो है एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट पार्ट से कम होता है। वाई डू दीज रीजन रिसीव लो रेनफॉल? थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर थर्ड एरिया की बात करें जहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम होता है, रेनफॉल कम होता है, तो वो है लेह, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। The rest of the country receive moderate rainfall। बाकी सारा देश जो है वहाँ पर ना कम होती है बारिश ना ज़्यादा होती है, moderate रहता है rainfall। Snowfall is restricted to the Himalayan region। तो snowfall जो है वो Himalayan region में ही होता है पूरे देश में। Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from the years to years। जो annual rainfall है वो depend करता है कि monsoon कितना moisture अपने साथ लाया है और monsoon का nature क्या है, उसमें जो variability होती है उसका असर पड़ता है हमारे rainfall पे कि वो ज़्यादा होगा या कम। Variability is high in the regions of low rainfall such as part of Rajasthan, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स, एरिया ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रॉन। तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर रेनफॉल इतना कम होता है कि वहाँ सूखे की स्थिति बन जाती है, और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं इंडिया में जहाँ रेनफॉल इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ फ्लड आ जाता है। नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है मानसून एज अ यूनिफाइंग बोर्ड। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे है मानसून? अगर हम कहें कि इंडिया में क्लाइमेट भी अलग अलग है अलग अलग रीजन्स का, तो ऐसा क्या है कि वो यूनिफाइंग बॉन्ड बनाते हैं इंडिया में? मानसून किस तरह से एक यूनिटी पैदा करता है इंडिया के क्लाइमेट में? लेट्स रीड। यू हैव ऑलरेडी नोन द वे द हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। आप सभी को मालूम है कि जो हिमालय है वो एक्सट्रीमली कोल्ड विंड से बचाता है हमारे इंडिया को। दिस एनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव अनफॉर्मली हायर टेम्परेचर कम्पेयर टू एरियाज ऑन द सेम लैटिट्यूड। तो ये जो है नॉर्दर्न इंडिया यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर रहता है नॉर्दर्न इंडिया में बिकॉज ऑफ हिमालयाज। अगर हिमालयाज ना होते तो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर यहाँ रहने वाला था। सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेटो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी फ्रॉम थ्री साइड्स। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है, अगर नीचे वाले एरिया की बात करें साउथ इंडिया की, तो वो जो है तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है और वहाँ पर इसलिए मॉडरेट है टेम्परेचर। Has moderate temperatures despite such as moderating influence, there are great variation in the temperature condition। अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें या हम प्लेटो की बात करें, तो इन दोनों के देखा जाए प्रैक्टिकली तो इन दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मानसून जो पवनें चलती हैं इंडिया में उसका बहुत इन्फ्लुएंस है, और उसी की वजह से जो कंडीशन है क्लाइमेटिक कंडीशन वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँ असहनीय नहीं है इंडिया में। Nevertheless, the unifying influence of monsoon on the Indian subcontinent is quite precipitable. The seasonal alteration of wind system and associated weather condition provide a rhythmic cycle of seasons. तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जब एक सीजन से दूसरा सीजन बदलता है तो वो बहुत ही स्मूथ होता है ड्यू टू दिस मानसून। अगर मानसून ना होता तो शायद एक सीजन से दूसरे सीजन में जाने में जो है
उतना ईजीनेस नहीं होती या उतना स्मूथ वो साइकिल नहीं चलता, बट ऐसा नहीं है, मानसून इंडिया में आता है और जिसकी वजह से जो साइकिल है ये सीजन्स का, ये बहुत ही स्मूथली चलता है. इवन द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून, द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इट्स इंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड दिस फिनोमेना. तो ये मानसून के फिनोमेना पे सब कुछ डिपेंडेंट है, चाहे वो हमारी प्लांट लाइफ हो, एनिमल लाइफ हो, या फिर हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो हों, या एग्रीकल्चर कैलेंडर हो हमारा कि कब हमने कौन सी फसल उगानी है, तो डिपेंड करता है वो मानसून पर. Year after year, people of India, from north to south and from east to west, eagerly awaits for the arrival of monsoon. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activity in motion. तो ये जो मानसून है ये बाइंड करके रखता है हमारी होल कंट्री को और उसको वाटर प्रोवाइड करवाता है ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो मोशन में रहें. द रिवर वैलीज विच कैरीज दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज सिंगल रिवर वैली यूनिट. तो हमारी जो रिवर वैली है वो भी इससे फ्लरिश रहती है. तो ये था इस चैप्टर में, क्लाइमेट चैप्टर में जो आपने रीड किया. होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा पूरा चैप्टर और आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ में. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.